हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल अनअकैडमी यूट्यूब विद कृपा शंकर। और दोस्तों, जो आज की टॉपिक है हमारा वो रिवर से रिलेटेड है, लेकिन जो मेरी क्लास है आज वो काफी दिन बाद शुरू हो रही है। एक बार जरा मैं खुद से चेक कर लेता हूँ कि क्लास का वॉल्यूम सही है, अदरवाइज इसको ठीक कर लिया जाएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या का समाधान ऑनलाइन ही मिलता रहे। लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस विद अन अकेडमी ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या का समाधान। ओके, एज यू नो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और इसी के माध्यम से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अपने घर पे रहकर कर सकते हो। और एज यू नो ये जो अनअकैडमी है ये भारत का सबसे उभरता हुआ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इट इज बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑल्सो। और सभी को पता है आजकल COVID-19 की समस्या का मतलब कि प्रॉब्लम पूरे विश्व में चल रही है, तो मुख्य रूप से इसके लिए हम जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां हैं वो हम अपने घर से ही कर रहे हैं। दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपीएससी। हेलो, गुड आफ्टरनून। लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद ऑप्शनल। दोस्तों, जो अनअकैडमी है भारत का सबसे बड़ा उभरता हुआ एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसमें जो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी को तो व्हाट विल यू गेट, इसके अलावा प्रोवाइड क्या क्या करेगा अनअकैडमी आपको। डेली लाइव क्लासेस होंगी 24/7 में, आपकी क्लासेस डेली लाइव मोड पे चलेंगी, और जितने भी कोर्स हैं आपके वो स्ट्रक्चरल कोर्सेज में हैं, यानी कि अगर आप किसी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करके 30 तक जाएंगे तो बाय द वे अगर आपने 15 नंबर चैप्टर पे स्टार्ट किया है तो 15 से पहले आपका 30 कम्प्लीट होगा, फिर 30 से आप 1 और 1 से 14 तक कम्प्लीट करेंगे। और दोस्तों, लाइव टेस्ट है, लाइव टेस्ट में आपका जो है ABCD फॉर्मेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें आपको पूरा सिखाया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। और अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है भारत में आप किसी भी विलेज में हो, किसी भी टाउन्स में हो, किसी भी सिटीज में हो, तो आप अपनी क्लास को अनलिमिटेड एक्सेस के द्वारा देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिवर, और रिवर जो है ये टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ये बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, आप चाहे दो टाइप के फोन यूज कर रहे हो, चाहे वो आपका एंड्रॉइड फोन हो, चाहे वो आप आईफोन यूज कर रहे हो, तो आप उसमें टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का दृश्य आपको दिखाई देगा। तो उसके बेस पे जब आप इसमें OTP एंटर करेंगे अपने मोबाइल नंबर के साथ, तो आप इसको आसानी से लॉग इन इसको कर सकते हो। एनी डाउट, अगर क्लास में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है तो आप इसको देख सकते हो। अब मुख्य रूप से जो फीस स्ट्रक्चर है अनअकैडमी का वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर क्लास में कोई समस्या ना हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कृपा शंकर, जैसे कि आप सभी को पता है, और मेरा जो क्वालिफिकेशंस है वो है MA ज्योग्राफी, MA इकोनॉमिक्स, और मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली में मुखर्जी नगर में विभिन्न संस्थानों में पढ़ाने का है। अब इसमें देखता हूँ मेरी क्लास शायद चल रही है या नहीं। आप लोग बफरिंग सर, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मेरा स्पीड तो यहाँ से सही है इंटरनेट का, एवरीथिंग इज गुड वर्क। आपको भी यहाँ से दिख रहा होगा ठीक से। और ये प्रॉपर काम भी कर रहा है, कोई ऐसा इसमें समस्या वाली बात ही नहीं है। इसमें सीपीयू की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्पीड है वो भी सही है, और इसमें जो नेट की स्पीड है मेरा वो भी सही है। अगर आप लोगों को एक बार ऑनलाइन अगर मुझे चेक कराना हो तो आप इस लोग इस तरीके से देखेंगे कि ये बिल्कुल सही है स्पीड टेस्ट में। शायद आपके साइड से कुछ आपके एंड से प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं खुद से चेक कर लेता हूँ, अगर ऐसे ही प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही हो तो। इट्स वर्किंग कंप्लीटली। और दोस्तों, चलो वापस चलते हैं। और अनअकैडमी विल प्रोवाइड यू टॉप 100 एजुकेटर, जिसमें से जो भी एजुकेटर्स हैं वो आपको समय समय पे गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएंगे आपके कोर्स से रिलेटेड। और दोस्तों,
अनअकैडमी में जो मेरे ज्योग्राफी के कोर्सेज हैं वो 20 अपकमिंग कोर्सेज हैं, जो मेंस के पर्पस से अगर देखा जाए तो 30 से 35 क्लासेस में पूरा हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो फीस स्ट्रक्चर है, फर्स्टली ये जो मेरा कोड है KRIPA, प्लीज़ जब आप मुझे सब्सक्राइब करें तो इसको आप इंसर्ट करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। अनअकैडमी की जो फीस है प्लस पे वो 1 month की 900 रुपीज़, 9,000 रुपीज़ है। जैसे ही आप इसमें 10% का एंटर ला लेंगे वाला कोड, तो आपको फीस पड़ेगी 8,100 रुपये की। और ठीक इसी तरीके से एक साल की जो फीस है 49,500 रुपये है। जैसे ही आप ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, फीस पड़ेगी आपको 44,500 रुपये की। दोस्तों ठीक इसी तरीके से जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे जो आइकॉनिक टर्म है उसमें जो अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगा आपको 69,500 रुपीज़ है। लेकिन जैसे ही आप कोड इस्तेमाल करेंगे KRIPA न्यूमेरिक में 1, तो आपको फीस पड़ेगी 62,500 रुपये की। चलो दोस्तों आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। एक स्लाइड और रहेगी इसके बारे में बताने के लिए, सेम है, बस आप मेरा जो कोड है वो इस्तेमाल कीजिए। और प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब विद योर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों बेसिकली रिवर है क्या, ये देखो, ये जो आपको फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी पिक्चराइजेशन के थ्रू, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक साइड से ये जो बहता हुआ पानी है, बहता हुआ जो फॉर्मेशन की ये पानी की जो एक धारा है, ये किसी गहरी स्ट्रीम की ओर जा रही है। या तो ये किसी लेक की साइड जाएगी, बड़ी लेक की साइड, या किसी एक ओशियन की साइड जाएगी। उसमें जाके जब ये मिल जाएगी, मिक्स जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रवाह है लेंथ के बेस पे, स्पीड के बेस पे। जब ये एक सरफेस की साइड से जाएगी, यानी कि बेसिकली बात है, ए लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस द लैंड इन टू द सी और ओशियन भी टर्म हो सकती है यहाँ पे। अब बिग टाइप की झील की भी बात कर सकते हैं, यानी कि एक पानी की बहती हुई जलधारा, यानी कि पानी की प्राकृतिक रूप से बहती हुई जलधारा जो फ्लो करके ओशियन की ओर या लेक की तरफ जाके अंदर की में मिक्स हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिवर। जैसे कि आप इसको स्लाइड्स में दिख रहा होगा, ये एक टाइप की GIF है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। और इस्तेमाल करके मैंने आपको सिखाने की थोड़ी सी कोशिश की गई है कि ये जो पानी की बहती हुई जलधाराएं हैं, ये जो धरातल से हैं बहती हुई, ओशंस की ओर जा रही हैं, लेक की ओर जा रही, तो ये ही आपकी नदी कहलाएंगी, यही आपकी रिवर्स कहलाती हैं। और मुख्य रूप से जैसे कि मैंने आपसे चर्चा करी थी टॉपिक के हिसाब से, कि आज जो टॉपिक टॉपिक है वो है मेरा क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवर। और रिवर में पार्ट टू है, पार्ट टू में मैंने पार्ट वन में ही मैंने कुछ कंप्लीट कराया था, तो मुख्य रूप से आज कंप्लीट हो जाएंगी सारी की सारी। और आप लोग बस कोशिश करना कि कमेंट में आंसर करते रहो, कमेंट में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आप अपने डाउट भी दूर कर सकते हो। और जैसे कि अभी सिर्फ एक ही लर्नर जुड़े हुए हैं, विद्या, तो आप किस स्टेट से हैं? थोड़ा सा पता चल जाएगा, तो मैं लोकल नदी के नाम भी पूछ सकता हूं आप लोगों से, प्लीज बताइए। आई एम जस्ट वेटिंग योर और कर्नाटका, आर यू कंफर्टेबल इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश? कावेरी, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड साउथ ऑफ द गंगा, है ना। एक्चुअल में ये मेरी जो आई कांटेक्ट है ये कैमरे पे ना जाके ये मेरी फोन स्क्रीन पे होता है, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ सकूं। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइल रिवर। एज यू नो नाइल, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एक्चुअल में अगर आपसे कोई बात की जाए, बेसिक बेसिक से बात पढ़ते हैं हम, ये थोड़ा सा जो पिक्चराइजेशन है, ये जो मैंने आपको इसमें लिया गया है, ये नाइल रिवर की फोटो है, यानी कि इजिप्ट के आसपास से, यानी कि मिस्र के आसपास से, इजिप्ट के आसपास से ये पिक्चराइजेशन लिया गया है, ये गूगल मैप के थ्रू मैंने लिया है। और दोस्तों इसका जो ओरिजिन है वो है लेक विक्टोरिया, जैसे कि इसमें से आपको दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, लेक विक्टोरिया। और लेंथ जो है वो है इसकी 6,650 किलोमीटर। जो 6,650 किलोमीटर की लेंथ है, ये पूरे दुनिया में सबसे लंबी है, इट इज द लॉन्गेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सेकेंडली अगर बात करते हैं इसका जो बेसिन है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है, बेसिन इंक्लूड्स पार्ट ऑफ विच कंट्रीज। अच्छा टेल मी,
जय हिंद सर, जय हिंद जी। और आप मेरे को ये बताओगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ बेसिन? अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है तो आप मुझे बताओ बेसिन का मतलब क्या है? एम जस्ट वेटिंग योर रिस्पॉन्ड इन माई कमेंट बॉक्स। प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज द मीन ऑफ बेसिन ऑफ द रिवर। नहीं, बेसिन का मतलब मुहाना नहीं है। मुहाने का मतलब होता है माउथ ऑफ द रिवर और ड्रेनेज ऑफ द रिवर, यानी कि एक आपकी रिवर है, रिवर ए है, इसका फ्लोशन है, फ्लो यानी कि रूट है। आई एम सॉरी, ये आपका कोई, जैसे कि सपोज करो ये आपकी रिवर गंगा है ना। एरिया ऑफ द कॉल्ड बेसिन द एरिया, अच्छा एरिया आफ्टर वेयर इट ड्रेन्स। हाँ, एक्चुअली में आप दोनों ने, जो पायल सेन है और विद्या, दोनों ने गलत बताया है। देखो ये जो रिवर है ये गंगा है, ठीक है ना, इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ, रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम उत्तराखंड और ड्रेनेज इन टू बे ऑफ बंगाल। सभी को पता है जहां पे ये सुंदरवन में गिरती है इसको बोलेंगे हम डेल्टा, जहां पे ये गिर रही है इसको बोलेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो बेसिन है ना, देखो रिवर स्टार्टेड फ्रॉम उत्तराखंड एंड इन वेस्ट बंगाल, तो इसके जो एरिया है जहां से ये ड्रेनेज फ्लो रूट बना के आ रही है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, फिर ये वेस्ट बंगाल है, तो जहां पे ये पानी इसका यूज हो रहा है फॉर द कल्टीवेशन पर्पस, फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, फॉर द ट्राइबल्स एरिया और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, तो वो आपके बेसिन इंक्लूड होंगे, यानी कि जहां पे इसका पानी संबंधित नदी का पहुंचता है। द वाटर ऑफ द रिवर रीचेज इन एवरी एरिया, एवरी कैचमेंट एरिया ऑफ द एनी प्लेस ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टेट्स, इट इज नोन एज बेसिन। ये बेसिन कहलाएगा। तो बेसिन कहाँ कहाँ पे है नाइल रिवर्स का? इट्स तंजानिया, एज वी नो अफ्रीकन कंट्रीज हैं सारी की सारी, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो रिपब्लिक जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो और कीनिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथोपिया, सूडान और पार्ट ऑफ द इजिप्ट। बेसिन का मतलब ये है जहां पे नदी का पानी, या नदी का पानी या वाटर ऑफ द रिवर यूज्ड फॉर मैनी, एक सेकेंड जरा मैं इसको साफ कर दूं, वाटर ऑफ द रिवर यूज्ड फॉर मैनी मैनी के वर्ड जो आज के बाद जो विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल सकते हो, इश्यूज के लिए बोल सकते हो, विभिन्न इश्यूज के लिए यूज हो रहा है, यानी कि ये जो पानी है ना, इसकी जो एक ट्रिब्यूटरीज है या मेन रिवर्स है, इसका पानी आपका यूपी में भी यूज हो रहा है, किसी रिवर्स का पानी आपका वेस्ट बंगाल तक जा रहा है, फिर वही पानी आपका झारखंड तक चला जाए, तो ये आपका नदी का पूरा जो कैचमेंट एरिया होगा वो कहलाएगा बेसिन। जैसे कि कावेरी रिवर है ना, और कावेरी रिवर पे जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और उसका जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से बनने वाली एनर्जी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है या एग्रीकल्चर वाटर है, वो जहां पे भी आपका यूज्ड होगा वो कहलाएगा बेसिन। गुड आफ्टरनून अजय। अब इसके अलावा ये ठीक से देखेंगे आप, ये जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है, पहले इसके बारे में ठीक से पढ़ेंगे तो आप पहले को देखना चाहिए कि वेयर इज द माउथ ऑफ द रिवर, यानी कि उसका माउथ कहाँ पे है। माउथ का मतलब होता है, जैसे कि आपने मुझे बताया था, ड्रेनेज, जहाँ पे नदी जाके गिरती है। और एक होता है हमारा सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब दूसरी भाषा में बोल देते हैं इसका ओरिजिन। जैसे कि मैंने आपको बताया ओरिजिन ऑफ द नाइल रिवर समवेयर इन द लेक विक्टोरिया,
यही बताया है ना। अब ये जो है लेक विक्टोरिया यानी कि जो नाइल रिवर है, ये दो रिवर्स को मिला के बनती है। एक तो बनती है ब्लू नील, ब्लू नाइल, और दूसरी बनती है हमारी कौन सी वाली नाइल, बताओ सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड बेसिन? जस्ट वेट, ब्लू एंड व्हाइट नाइल। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसको बता देता हूं। आपने बोला है कि डेल्टा और डेल्टा एंड 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 बेसिन। देखो दोस्तों, डेल्टा बेसिकली नोन एज दैट एरिया वेयर रिवर और स्ट्रीम ड्रेनेज ड्रेनेज। बेसिन का मतलब है वाटर रीचेज इन और आउट कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। द रीजन वेयर द डेल्टा फॉर्म्स कॉल्ड माउथ। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको कोई डाउट हो रहा है ना, एक ये पानी का रिवर्स है, यानी कि पानी है, ये नदी कोई चली और उसने अपना मुंह जाके कहीं समुद्र में ओपन कर दिया, तो जो भी अपने साथ वो मिट्टी लेके आई है उसने माउथ खोल के अपना नदी में बिछा दिया, यानी कि समुद्र में बिछा दिया, डेल्टा में बिछा दिया, गल्फ में बिछा दिया, मतलब फैला दिया, बिछाने का मतलब फैला दिया, तो वो आपका कहलाता है डेल्टा। जहां पे नदी एक स्टार्ट हुई किसी भी पहाड़ से, किसी भी प्लेट्यू से, वो एक कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आके किसी वाटर बॉडी में मिल जा रही है। जहां पे वो मिल रही है, जहां पे वो ड्रेनेज हो रही है, वो कहलाएगा डेल्टा। ओके? और जहां से वो बह के आ रही है किसी भी रूट से, उसके आसपास के जो एरियाज हैं, कैचमेंट एरिया हैं, वो कहलाएंगे आपके बेसिन। और बेसिन डेल्टा से ज्यादा फर्टाइल होता है, और बेसिन में प्रॉपर रूप से आपको मिलेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर लैंड, प्लेन्स भी बोल सकते हो आप उनको, टूरिज्म। गॉट इट? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना दोस्तों। जो बेसिकली जो नील रिवर है वो दो को मिला के बनती है, एक है ब्लू नील और दूसरी है हमारी व्हाइट नील। अगर ये मेरे सर के ऊपर आ रहा होगा तो दिख रहा होगा ना पीछे स्लाइड्स में। अब देखो इसके बारे में जो मैंने आपको बताया था, ब्लू नील और व्हाइट नील। देखो जो नील, जैसे कि हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो सभी को पता होता है कि नील इज द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब बेसिकली इसमें थोड़ा सा, एक सेकेंड जरा मैं इसको सही कर देता हूँ, कोई नहीं, मुझे पता था ये समस्या हो रही होगी। दिख रही हो? नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को इसको, मैं अभी थोड़ा सा जो साइज है वो अपग्रेड कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट इसका, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। नाउ इट इज फाइन। जब हम बात करते हैं, जब हम यूपीएससी के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते हैं ना कि नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो दोस्तों ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि अगर नाइल रिवर साउथ सूडान में एंट्री करती है, वाइल रिवर्स नाइल रिवर्स एंट्री इन साउथ सूडान। एक्चुअली में जो सूडान है वो दो पार्ट में बटा हुआ है ना, एक तो है सूडान और नीचे वाला है साउथ सूडान। जब ये साउथ सूडान में एंट्री करती है तो एक्चुअल में ये व्हाइट नाइल के नाम से जानी जाती है, और जो साउथ सूडान की कैपिटल है वो है हमारी जूबा, ZUBA भी मिलती है और JUBA भी मिलती है स्पेलिंग का जो है। अब दोस्तों जब ये व्हाइट नील है तो यहाँ पे क्या है, जो व्हाइट नील का जो ओरिजिन है वो है हमारी लेक नसीर। ये लिखा हुआ है ना, लेक नसेर भी बोलते हैं, लेक नसीर भी बोलते हैं हिंदी में। नसेर और नसीर को कुछ इस तरीके से बुक्स में लिखा जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस में ऑप्शन को हिट करके आओगे तो स्पेलिंग होगी ये NASSER, यानी कि व्हाइट नाइल बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम लेक नसीर। कौन सी? व्हाइट नाइल। और जो ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल बेसिकली ये जो निकलती है आपकी, वो है लेक टाना। लेक टाना, लेक नसीर दोनों को मिला के जब ये ऊपर की तरफ जाती, ये कहलाती है कंप्लीट नाइल, पूरी नील। तो अभी इसका अगर आप
मैप देखेंगे ठीक ठाक से। अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ इस तरीके से है। एक बार आपको दिखना शुरू हो जाए तो उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन, हाँ तो स्क्रीन पे आपको शायद दिख रहा होगा, ये जो है साउथ सूडान की बाउंड्री लाइन है, यानी कि जो साउथ सूडान कंट्री है। तो साउथ सूडान में जब यहाँ से ये रिवर जब ये एंट्री कर रही है तो ये कहलाएगा आपका यहाँ पे, बताओ कमेंट बॉक्स में। और ये कंट्री है यूथोपिया, यानी कि इथोपिया। जब ये इथोपिया में है तो ये क्या कहलाएगी, जो इथोपिया में है ये कहलाएगी आपको ब्लू नाइल। क्या कहलाएगी, ब्लू नाइल। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा लिख देता हूं, ब्लू नाइल। और साउथ सूडान में व्हाइट नाइल। अब जब ये दोनों अपने अपने रूट पे ऊपर की ओर चलती हैं, ये यहाँ पे सूडान में ये जुबा के आसपास मिल जाती हैं, तो ये यहाँ से अपना ऊपर इजिप्ट की ओर मूवमेंट करती है और फाइनली ये एक डेल्टा बनाता हुई। डेल्टा का मतलब देखो ना, यहाँ पे आपको ये तीन चार लाइन दिख रही होंगी, कुछ इस तरीके से हैं, कुछ इस तरीके से हैं, कुछ इस तरीके से हैं, एक दो तीन चार करके अगर मैं नाम दे दूं तो 1 2 4 जो है ये आपका डेल्टा का क्रिएशन हो रहा है। जो डेल्टा का क्रिएशन हो रहा है वो मुख्य रूप से आपका वो इस वाले एरिया में है। और जहां पे इजिप्ट में जाके ये नदी जब किस सागर में गिरती है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी, गुड नून। हाँ रिपीट क्या करना है बताओ आप मुझे, मैं वही बता दूंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। बोलो बोलो क्या रिपीट करना है। मैं रिपीट ये कर रहा हूं दोस्तों, फिर से बताई दे रहा हूं मैं आपको, कोई डाउट ना हो। देखो जो नील है ना, जो नील रिवर है मुख्यतः दो रिवर्स को बना के बनती है। एक तो है आपकी व्हाइट नाइल और दूसरी है ब्लू नाइल, है ना। जो व्हाइट नाइल का ओरिजिन है वो है साउथ सूडान में, और ये साउथ सूडान से ऊपर होते हुए ये सूडान में एंट्री करती है। और जो ब्लू नाइल है इसका जो एंट्री, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो है इथोपिया में। ये रहा आपका इथोपिया कंट्री और ओरिजिन पॉइंट इसका ये रहा। ये जब मूवमेंट करके ऊपर की ओर चलती है सूडान में, तो जब ये यहाँ पे लेक विक्टोरिया है साउथ सूडान में, क्या नाम है, लेक विक्टोरिया। जब दोनों नदियां ये लेक विक्टोरिया में गिर जाती हैं तो ये उत्तर की ओर चलती हैं, और उत्तर की ओर चलते हुए ये कहां पे एंट्री करती है, इजिप्ट में, है ना। जब इजिप्ट में एंट्री करती हैं तो इजिप्ट में ये कल्टीवेशन लैंड बनाते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। भूमध्य सागर में क्या बनाती है, अपना एक डेल्टा बनाती है। देखो डेल्टा का मतलब ये है, जब नदी वहां पे गिर रही है ना तो एक ब्रांच इसकी इधर है, एक ब्रांच इसकी इधर है, एक ब्रांच सीधी हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके, यानी कि ये जो पूरा एरिया है ये आपका कहलाएगा डेल्टा, ठीक। अगर आप इसको यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये ब्लू ब्लू कलर से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये डेल्टा क्रिएट हो रहा है कहाँ पे, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो, अजय कुमार, विद्या, पायल, दर्शिका, माय डियर फ्रेंड, जो साउथ सूडान है ना, मैंने वहां पे बताया था आपको लेक नसेर, NASERR, ये ऐसे करके नसीर। इथोपिया में मैंने बताया आपको लेक टाना। जब दोनों यहां से मिलती है साउथ सूडान में विक्टोरिया, फिर इसके बाद ये ऊपर चलती हुई कहां गिरती है, मेडिटेरियन सी। अगर अरे यार माय डियर फ्रेंड, आप जो इसको देख रहे हो ना, तंजानिया वाली जो बात आप बोल रहे हो कि जो लेक विक्टोरिया है वो तंजानिया में है, लेकिन जो तंजानिया की जो बाउंड्री लाइन है ना वो उसका जो एरिया, देखो ये जो एरिया है यहाँ पे इस टाइप से, ये जो तंजानिया में काउंटेबल है, लेकिन ये जो विक्टोरिया वाला लेक है ना, लेक विक्टोरिया याद रखो उसको मुख्य रूप से। आप मुझे भी पता है दोस्त, एक्चुअल में ये जो एरिया है ना सूडान का, ये 2006 तक ये एक ही एरिया में था, लेकिन ये जब बाद में कन्वर्ट हुआ तो ये जो देख रहे हो ना अभी टेरिटरी, ये वाली टेरिटरी, जैसे अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर आप क्या बोलते हैं फ्रेंच गुयाना का मैप देखेंगे ना, तो उसमें आपको देख के लगेगा कि फ्रेंच जो फ्रांस है वो तो आपका यूरोप में है, लेकिन उसकी टेरिटरी यहाँ यहाँ पे कैसे, अफ्रीका में। कुछ जो
पैसिफिक ओशन में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो आपके पेरू के आसपास मिलेंगे, अर्जेंटीना के आसपास मिलेंगे, चिली के आसपास मिलेंगे, वहां पे लिखा होगा क्या बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। बोलोगे यूनाइटेड किंगडम जो है बेसिक रूप से वो आपका यूरोप का पार्ट है, तो यहाँ पे साउथ पैसिफिक में कैसे है, ये कुछ इसी तरीके का हिस्सा है, यानी कि जो अपनी मुख्यतः जमीन है उससे हटके, जैसे कि अलास्का और यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। चलो आगे चलूं। अब जो दूसरी रिवर है वो है अमेज़न। सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, अमेज़न रिवर के बारे में, यानी कि बिगेस्ट रिवर है, इट इज बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो क्या बोलते हैं फॉन्ट है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, इज इट विजिबल? अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं इसको विजिबल बना दूं। Now is it better? देखो दोस्तों, जो Amazon है ये मुख्य रूप से ऐसे देखो आप, पहले इसको मैप के थ्रू से समझो उसको, जो इसका एक कैचमेंट एरिया है, बेसिन की बात अगर करते हैं तो इट मेक इट लार्जेस्ट बेसिन इन द ब्राजील। इसका जो सबसे ज्यादा बेसिन वाला एरिया है वो बनता है ब्राजील में। लेकिन अगर बात करें हम मुख्य रूप से कि Amazon का जो ऑरिजिन पॉइंट है वो कहाँ पे है, आप लोग बताना चाहेंगे कोई मुझे? पायल, अजय, विद्या, टेल मी वेयर इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द अमेज़न रिवर। देखता हूं थोड़ा सा, आप लोग बताओ, क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर से याद नहीं हो पाएगा ना। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, कंट्री का नाम है पेरू। नहीं, ब्राजील में तो जाके ये दोस्त, यहाँ पे जो नीला नीला पानी है ना, इसमें जाके ये ड्रेनेज होती है। ओरिजिन पॉइंट एक्चुअल में एंडीज पर्वतमाला है यहाँ पे, इस टाइप से यहाँ पे इसकी एक सीरीज से निकलती है, और सीरीज में से निकल के फिर ये क्या होता है, पेरू कोलंबिया होते हुए ये आपका, यानी कि ये देखो छोटा सा पार्ट अगर देख रहे होंगे आप, ये जो हिस्सा है ये कोलंबिया का है। मैं इस पर मार्किंग करा दूं अगर इस टाइप से, ये जो है हिस्सा कोलंबिया का है, और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है ये है पेरू का, है ना। तो दोस्तों जो ये पेरू से जब ये निकलती है ना, जब ये स्टार्ट होती है, तो ये कोलंबिया होते हुए ये एंट्री करती है स्टेट ऑफ अमेज़न, और जो स्टेट ऑफ अमेज़न है ये आपका ब्राजील का हिस्सा है, और ब्राजील का हिस्से होने के जो अमेज़न है, या फिर ये जो स्टेट ऑफ रोमानिया है, रोमानिया, ये इन सभी के बेसिन से निकलती हुई ये जाके गिरती है आपकी कहाँ पे, स्टेट ऑफ एम्पा। और स्टेट ऑफ एम्पा भी एक तरीके से ब्राजील का पार्ट है, ब्राजील के आसपास का एरिया है, लेकिन मुख्य तौर से इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहलाएगा आपका ब्राजील। लेकिन जैसा आपने लिखा है कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया एंड ब्राजील, ये जो है इसके कैचमेंट एरिया है। विद्या जी, जो आपने ये बताया है कि कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया एंड ब्राजील, दीज आर द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। रिवर विच रिवर? अमेज़न। और अमेज़न जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी ना होगी, बिगेस्ट है। बिगेस्ट का मतलब है जिसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो सबसे ज्यादा है दुनिया में, इस टाइप से। गुड आफ्टरनून। और ठीक है ना, इसके बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट सभी को पता है नाइल है, बिगेस्ट अमेज़न, और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल के बाद ये दूसरे नंबर पे है। और ओरिजिन जो है, देखो जैसे कि विद्या जी ने शायद बताया था, ये जो है मोंटारो रिवर, मोंटारो रिवर जो है, ये जो है ओरिजिन है अमेज़न रिवर का बेसिकली। देखो कोई पूछ ले आपसे कि भैया ये पेरू में तो है, पेरू अगर आ जाए ऑप्शन में तो आप इसको हिट करके बड़े आसानी से आ जाओगे, लेकिन वो पेरू के सब एरिया के बारे में पूछे तो क्या बोलते हैं, तो वो है हमारा मोंटारो रिवर, मोंटारो रिवर। जैसे कि अगर हम गंगा के रेफरेंस में पढ़ेंगे ना, तो ओरिजिन पॉइंट ऑफ द गंगा
कोई बोलेगा गंगोत्री, कोई बोलेगा गोमुख। अगर बात आ जाए कि कौन से ग्लेशियर से, भागीरथी 1, 2, 3 से, तो मुख्य रूप से वो देखा जाएगा ना कि पानी कहाँ से आ रहा है, ज्यादा पानी ग्लेशियर कैसे पिघल रहा है। लेकिन जो थ्योरी कहती है वो पेरू है, और जो रिवर है वो है मैंटेरो। मैंटेरो में भी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला में कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से अमेज़न निकल रहा है। तो एक पानी यहां से निकलेगा, कुछ पानी इस वाले ग्लेशियर से निकलेगा, कुछ पानी इस ग्लेशियर से निकलेगा। तो ये जो ग्लेशियर से मिला के पानी बनेगा उसको बोला जाएगा मैंटेरो रिवर। और मैंटेरो रिवर अब इसको क्या है, इसके अलावा जो कि तीन और नदियां हैं जिनका मुख्य रूप से नाम है मारनाओ, इस टाइप से लिखा होता है मारानोन। फर्स्ट मैंटेरो, दूसरी है मारनोन, और जो तीसरी है वो है एपुरमिक। मैं यहां लिख देता हूं APURIMAC, एपुरमिक। इन तीनों को मिला के बन जाती है, यानी कि एक रिवर मैंटेरो, और मैंटेरो पेरू होती हुई, कोलंबिया होती हुई, फिर ब्राजील में चली जाती है। जरा मैं कमेंट पढ़ लूं, एक एंडीज माउंटेन, ओके ग्रेट सर, दिस इज कोर्स द फिजिकल ज्योग्राफी कम्प्लीटली सर। हाँ जी, फिजिकल ज्योग्राफी और टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी और रिवर्स का से संबंधित है दोस्त। एक्चुअल में क्या है, ये आपका मेन से संबंधित है, क्योंकि इसमें आगे चल के थोड़ा थोड़ा सा की क्लास शुरू की है, तो ये आगे जाके वाइड हो जाएगा और भी, और मुख्य रूप से ये आपका प्रीलिम्स भी निकालेगा। पायल सेन आपने क्या लिखा था उस कमेंट में, से नहीं है ओरिजिन एंडीज। नहीं, आपने जो लिखा है ये पायल जी की, से नहीं है ओरिजिन अमेज़न एंडीज, इसका थोड़ा सा मुझे समझाओ। मैं इस पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, डाउट है आपको इस पे, तो मैं इसको दूर करने की कोशिश करता हूं, बताओ। हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे हम रिवर की, जो कंट्रीज हैं कि किन किन कंट्रीज के थ्रू अमेज़न रिवर निकलती है या बहती है या फ्लो करती है। ब्राजील, जहां पे इसका माउथ भी है, पेरू, जहां से इसका ओरिजिन है ना, एंडीज से, मैंटेरो रिवर, कोलंबिया, जहां से इसका फ्लोएशन है, जहां से इसका बहने का रूट है। एनी डाउट, कुछ दुविधा हो तो पूछो। अब जो है क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी डैम्स आर लोकेटेड इन द अमेज़न रिवर, यानी कि अमेज़न रिवर्स पर कौन कौन से डैम है। टोटल मिला के जो है वो 412 डैम है, जैसे कि मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। और जो हमेशा पेपर में पूछे जा रहे हैं, या जो हमेशा बीबीसी के चैनल्स पे या मीडिया में छाए रहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी एक डैम है जो एक बात की गई है, बोले मेंटो डैम, क्या नाम हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बेलो मोंटे डैम। जो बेलो मोंटे डैम है, मुख्य रूप से ये जिंगजू रिवर पर बनाने जाने की बात की गई थी एक तरीके से। सर एंडीज माउंटेन से नहीं है होता ओरिजिन अमेज़न का सर। अच्छा, तो आपने एंडीज से नहीं होता तो आप मुझे बताओ कहाँ से हो रहा है, पेरू से हो रहा है। एक्चुअल में जब आप ठीक से इसको मैप पे देखेंगे ना, लो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, वेट। डाउट मत रखो कोई, आई होप आपको दिख रहा होगा इस पे, इसको मैं जूम कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, जैसे जैसे ये होगा। देखो ये जो एक एरिया है जहां पे ये रेड कलर का सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये मुख्य रूप से अमेज़न रिवर्स को शो कर रहा है। आप इस पे थोड़ा थोड़ा जूम करेंगे ना, तो ये जो पानी का जो टेरिटरी, ये जो पानी की टेरिटरी है, ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है ये अमेज़न रिवर। ये जो पानी की ब्लू ब्लू कलर की लाइन है ना, ये है अमेज़न रिवर। अगर हम इसके अपर वाले एरिया में बात करते हैं तो ये है कोलंबिया, यानी कि अगर एक पानी की बाउंड्री लाइन है इस टाइप से, तो बीच में से कट करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट कोलंबिया है, नीचे वाला पेरू है।
ठीक है ना, अगर ये बाउंड्री लाइन बनाती है तो ऊपर वाला पार्ट पानी में किसके आ रहा है, कोलंबिया के पास में है, और नीचे वाला किसके पास है, वो पेरू के पास में। ठीक इसी तरीके को इसको हम फॉलो करते हुए चले जाएं तो देखो ये जितना भी ब्लू कलर की लाइन है ये अमेजोन रिवर की है। अब इसका जो ओरिजिन है वो मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, ये देखो। अब आपको ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी ना, ये वाली जहां पे मेरा माउस है, तो ये जो टेरिटरी है जहां पे मेरा सर्कल बन रहा है ये पेरू की टेरिटरी है, ठीक है, पेरू कंट्री है। अब मैंने कहा था पेरू में जो एंडीज पर्वतमाला है वहां पे एक रिवर का नाम है मोंटेरो। अब ये जो रिवर है, अब आप दिख रहे होंगे यहाँ पे ये वाली जो नदी है ये है मोंटेरो। जब यहाँ पे ये बहुत सारी पानी की जलधाराएं बन जाती हैं तो आगे जाके ये कहलाती है यहाँ पे अमेजोन। देखो एक पानी की जलधारा नीचे से आ रही है, एक पानी की जलधारा ऊपर से आ रही है, ये इस वाले पॉइंट पे मिल जाती है जहां पे मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं। जब ये मिलके आगे की तरफ गई है तो ये कहला रही है यहाँ पे अमेजन रिवर। थोड़ा सा इसको देखो आप, ये ना देखो, आपको शायद दिख जाए लिखा हुआ भी, ये जो है शायद थोड़ा सा मेरा जो वॉइस है वो कुछ सेकंड लेट डिलीवर हो रहा है, एक बार आपको मैं दिखाना जरूर चाहूंगा। ये एंडीज से ही है, एंडीज में मोंटेरो। आगे चलू ना। गुड आफ्टरनून सर। हो गया, समझ में आ गया ना? ओके दैट्स ग्रेट। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम क्या होगा, गलत होने की संभावना होगी ना, जो गलत होने की संभावना होगी तो क्या होगा, हम नेट पे तुरंत देख लेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ जो मैं बता रहा था, जो बोले मेंटो डैम है वो 1950 से 1960 के बीच में ये एक प्रपोज किया गया था, और प्रपोज करने के बाद ही जो डैम है आज भी इनकम्प्लीट है, अब ये जो है किस रिवर पे बना हुआ है, जिंगू रिवर, SINGU, जिंगू रिवर। अब जिंगू रिवर आप इसको याद रख लेना क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आया है कि बोले मोंटे डैम विच इज प्रपोज इन द ब्राजील इज अंडर डेवलप ऑन विच रिवर, तो जिंगजू रिवर याद रख लेंगे क्योंकि जिंगजू जो है हमारी टर्म में इसको हम कहीं कई बार क्या होता है इसको हम चाइनीज नाम समझ लेते हैं और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चाइनीज दे दिया उसने और नॉर्थ या साउथ कोरिया दे दिया, ताइवान दे दिया, तो कंफ्यूजन ना हो इसको याद रखना ये कि ब्राजीलियन डैम है जो अभी तक नहीं बना है गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से। और दूसरा है द डैम जो थर्ड लार्जेस्ट है, यानी कि उसका नाम है जिराउ डैम, और जिराउ डैम जो है वो है आपका रेनोडेनिया ब्राजील में, अगर मैप पे मैं फिर से चलूं तो जो रेनोडेनिया है, देखो मैं इसको हटा देता हूं, इसको सारा साफ कर देता हूं, रेनोडेनिया ये जो ब्राजील का जो एरिया है ना, इससे थोड़ा सा अगर आप साउथ वेस्ट के एरिया में यहां तक आएंगे रेनोडेनिया तो ये यहां पे डेवलप होगा। अब देखेंगे आप कि सर पेरू से निकल रही है, कोलंबिया होते हुए ब्राजील में जा रही है, तो स्टेट ऑफ रेनेडोनिया का यहाँ पे क्या मतलब है। जो स्टेट ऑफ रेनेडोनिया है ना, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्राजील बट इट इज द डिफरेंट स्टेट्स इन साउथ अमेरिका, है ना, तो मुख्य रूप से जो है ये एक ब्राजील का ही पार्ट है और यहाँ पे इसकी जो ये पानी की जो ब्लू ब्लू कलर के आपको टिक दिख रहे होंगे इन्हीं पे ही ये डैम बन रहा है और डैम का नाम क्या है, जिराउ डैम, जिराउ डैम। दोस्तों अगर कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप लोग पूछते रहना। चलो आगे चलते हैं, रिवर का नाम है मिसिसिपी। चलो मैक्सिमम बताओ इसके बारे में, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा जो मिसिसिपी रिवर है। अब उसका जो एरिया है देखो आप सोर्स, अच्छा एक चीज में बताना भूल गया वहां पे आप लोगों को, माफी चाहूंगा, अमेजन रिवर के बारे में पढ़ा था हमने। अब आप मुझे ये बताओ जो अमेजन रिवर का जो माउथ है यानी कि जहां पे उसका ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ पे है, वेयर इज द, किसी लड़के ने बताया था मुझे भी कमेंट करके कि ब्राजील में है यानी कि ब्राजील में गिरती है,
अब जब ब्राजील में यहाँ पे ये गिर रही है तो ये जो ब्लू कलर की वाटर है ये इसका नाम क्या है, जहाँ पे अमेजन रिवर ड्रेन होती है, गिरती है या डेल्टा बनाती है? टेल मी द नेम ऑफ दिस टेरिटरी। जीत, टेल मी, संजय आप बताओ मुझे, अजय कुमार, विद्या, पायल, कोई भी बताओ, इन विच एरिया अमेजन रिवर ड्रेनेज, यानी कि अमेजन नदी कहां पे गिरती है? पायल सिंह ने कहा अंटार्कटिका। अच्छा दोस्त, ये अंटार्कटिका है क्या? मुझे लगा था अटलांटिक है। अटलांटिक, अंटार्कटिक नहीं, अटलांटिक, 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 और बेसिकली बता दूं तो साउथ अटलांटिक है ना। ये अटलांटिक और आर्कटिक ऑप्शन नंबर A1 में रख दिया जाए तो कंफ्यूज के चांस हो जाते हैं। और मुख्य रूप से जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक दे दिया तो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। तो मुख्य रूप से बात है ये जो लाइन है बीच में से, ये देखो इक्वेटर जाती है ना इस टाइप से 0 डिग्री, तो ब्राजील आपका यहाँ पे कहीं पे है, तो नदी आपकी इस वाले एरिया में गिर रही है। तो ऊपर का जो है ये नॉर्दर्न अटलांटिक है, नीचे वाला सर्दर्न अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक ओशन। ग्रेट, शाबाश। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी बड़ी मिस्टेक करोगे इसमें, चलो कोई बात नहीं। मिसिसिपी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। मिसिसिपी रिवर, बेसिकली जो मिसिसिपी रिवर है वो ये जो है आपकी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, कहाँ की? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि पूरा नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा, इसमें ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट। और इसका जो सोर्सेज है, सोर्सेज है वो है लेक इटास्का। देखोगे आप जो लेक इटास्का है मुख्य रूप से वो यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स की, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या है कलरफुल ज्यादा है ये, तो मुझे कलर थोड़ा पेन का अपने चेंज करना पड़ेगा। ये जो एरिया है आपका, ये है आपका लेक इटास्का, ठीक है ना। अब लेक इटास्का से निकलती हुई ये आपका मिनीसोटा, विनिकॉन्सिनिया, लोवा, इलिनियोस, मिसौरी, थोड़ा सा एरिया केंटुची, अक्रानास, टेंसिसीज, मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है रिवर ही है, और मिसिसिपी एक वहां पे छोटा सा स्टेट भी है, और लुनानेशिया, इन सारे जगह से होती हुई ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। कहां पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको। समझ में आ रहा है ना? और वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि एक एटलस अपने साथ हमेशा कैरी किया करो, लेकिन कोई बच्चे जल्दी से करते नहीं है, तो आप लोग इसको देखो, मैंने बताया था मिसिसिपी रिवर। अब जो मिसिसिपी रिवर है, ठीक से अगर आप इसको मैप पे देख रहे हैं, मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बोर तो नहीं हो रहे ना? मैप अगर आप लोग उठा के बैठोगे तो मुझे थोड़ा सा आसानी पड़ जाएगी, लेकिन हर बच्चा मैप उठा के भी नहीं देखता है। अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ठीक से, ये जो पूरा मैप है कि यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। तो ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन यहाँ से दिखाई दे रही है मुख्य रूप से, तो आपको ये इतना पता चल रहा होगा कि रिवर्स जो है ये आपकी है मिसिसिपी, ठीक है ना। और यहां से क्या? नो सर, मतलब थोड़ा बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप लोग, मैं समझा नहीं। ये जो यहां से निकला मिनोटोरा से, विलिगिंस से, इवोवा और इलियानिकस होते हैं, ये गिरता है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। और गल्फ ऑफ मैक्सिको की लोकेशन देखने के लिए अगर हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं,
एक्चुअल में क्या है ना, मैंने कई बार सोचा है कि बच्चों को मैं हर बार बोलते बोलते परेशान हो जाता हूँ कि भैया गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर देखो, एक एटलस उठा लो, लेकिन कोई देखना पसंद नहीं करता। आप लोग ठीक से देख रहे होंगे गूगल मैप की सहायता से, ये जो है आपका ह्यूस्टन, यानी कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये जो जहाँ पे मेरा पेन सर्कल हो रहा है, जहाँ पे रेड कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, ये आपका जो रेड कलर का सर्कल है, ये आपका है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब बात करेंगे मुख्य रूप से जो मिसिसिपी रिवर आ रही है, तो मिसिसिपी रिवर आपका यूनाइटेड स्टेट से ये निकल के आ रही है, जहां पे ये ब्लू कलर की लाइनिंग है, और आके ये गिरती है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो लेंथ कवर करती है वो है 3,730 किलोमीटर, और 3,730 किलोमीटर कवर करने के बाद एक प्रश्न यहाँ पे ये मुख्य रूप से बनता है कि कौन सी एक ऐसी नदी है। सर ये यूएसए को टू पार्ट में बांट रही है। एग्जैक्टली सही है। अब ये देखो आप, बर्ड फुटप्रिंट डेल्टा। बर्ड फुटप्रिंट का मतलब है जैसे कि ये बर्ड है, कोई चिड़िया है, इसका जो फुट होता है ना, इसमें पांच उंगली होती है, 1 2 3 4 5। तो जैसे एक नदी है यहां से ऊपर से आ रही है, तो उसकी एक ब्रांच इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, तो ये ऊपर से दिखने में लगता है इस टाइप से, जैसे कि किसी का बर्ड फुट हो, चिड़िया का पंजा हो। तो इसके बारे में मुख्य रूप से अब अगर आप ठीक से बात करेंगे, तो अगर नासा की इमेजेस देखेंगे, मिसिसिपी नदी की इमेजेस देखेंगे, तो आपको बर्ड फुटप्रिंट जैसा इसका डेल्टा बनेगा। ठीक है ना। अब ये जो है, जो मिसिसिपी है, रैंक जो है पूरे वर्ल्ड में इसका जो रैंक है वो फोर्थ है। फोर्थ किस में है? लॉन्गेस्ट, फोर्थ लॉन्गेस्ट। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे सेकंड और थर्ड, जैसे कि नाइल होगी वन पे, टू पे है आपकी अमेजोन, फोर्थ पे है आपकी मिसिसिपी, तो थर्ड पे कौन सी, आप जरा बताना मुझे। मिसिसिपी है, तो उसका जो सीक्वेंस है 1 2 3 4, 3 2 1 4, 4 3 2 1, इस टाइप से, जो व्हाट इज द करंट सीक्वेंस, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। और जो मिसिसिपी है ये एक यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बिजिएस्ट कमर्शियल वाटरवेज है, यानी कि इसमें क्या है, ज्यादातर शिपयार्ड्स चलते हैं। शिपयार्ड्स का मतलब होता है इसमें इस रूट के थ्रू ज्यादा व्यापार होता है, और जो व्यापार हो रहा है, जो कमर्शियल ट्रेडिंग हो रही है, वो किस किस की है, वो हो रही है हमारी कॉटन की, और इसमें मुख्य रूप से क्या है, इसमें है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा आयरन और के सामान है, और कोल इंडस्ट्री से संबंधित है। मुख्य रूप से ये जो ट्रेड है वो इस रूट पे चलता है। और इसके बाद जो है मिसिसिपी क्या है, एक जो उसका फ्लो है ना, जो रूट है वो बहुत तेज है, वो बहुत एक फास्ट वॉल्यूम है, लेकिन जब ये अपने ग्रामीण एरिया में जाएगी, ये मड से भर जाती है, कंप्लीटली मड, यानी कि कीचड़ से भर जाती है, लेकिन वहां पे जो इसकी स्पीड है वो एकदम से स्लो हो जाती है। अब ये जो है एक फ्रेश वाटर की स्ट्रीम है, और फ्रेश वाटर की स्ट्रीम है तो क्या होगा, उसमें फिशेस मिलेंगी। कौन सी फिश मिलेंगी? फ्रेश वाटर की। और इसमें फ्रेश वाटर में आपको क्या होता है, क्रोकोडाइल भी मिल जाएगा, कभी कभी क्रोकोडाइल भी मिलेगा। हालांकि क्रोकोडाइल के मिलने की संभावना पानी के वाटर पे भी डिपेंड करती है कहीं कहीं, जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि गंगा रिवर जो है भारत के संदर्भ में बात करें तो फ्रेश वाटर की रिवर है, पर उसमें क्रोकोडाइल आपको उत्तराखंड की और जहां पे ये प्लेन्स में एंट्री करती है बिजनौर वाले एरिया में, यहाँ तक क्रोकोडाइल नहीं मिलता, लेकिन उसके आगे वाले एरिया में क्रोकोडाइल मिलने के चांस पूरे होते हैं, क्योंकि वहां से आते आते या और निचले वाले एरिया में जाएंगे तो पानी की जो स्ट्रीम्स है, उसका जो टेम्परेचर है पानी का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, कम नहीं बढ़ जाता है, गर्मी हो जाती है। अब जो है दूसरा रिवर, ये है हमारा रियो ग्रैंड। अब जो रियो ग्रैंड रिवर है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, रियो द जिनेरियो, रियो द ग्रैंड, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि ये भी आपका, इसका जो क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से अमेरिकन कंट्रीज में यूज होने वाला है, तो इसका जो माउथ है वो भी वही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा होगा आपका, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो आपका, जैसे कि ये यहाँ पे है जिसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका का जो लोअर पार्ट है, लेकिन जब यहाँ से दक्षिणी अमेरिका स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ का ये ऊपरी पार्ट भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना। और जो इसके ओरिजिन पॉइंट है, या जो इसका फ्लोएशन रूट है, वो कहाँ कहाँ से, उसके बारे में बात करते हैं। जो
सोर्सेज है वो है पोल क्रीक, और जो पोल क्रीक है ये आपका एक ऐसा नाम है जो क्या बोलते हैं इस सीरीज में या कॉन्टिनेंटल डिवाइड में सिर्फ उसे पोल क्रीक ही मिलता है, यानी कि जैसे कि ये कि प्लेट्यू टाइप का है ना, तो ये जो प्लेट्यू है, एक सेकंड जरा मैं इसको सबको साफ कर दूं, ये ऐसा नहीं है सीरीज में कि जो रिवर्स है ये रियो ग्रैंड ये यहाँ से निकल रही है, कुछ इसका पानी जो है वाटर यहाँ से निकलता है, ठीक है, कुछ इसका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो यहाँ से आके यहाँ पे इसमें मर्ज हो रहा है, लेकिन इस वाले रूट का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो पोल क्रीक बोला जाता है, अननेम्ड पीक है, ठीक है ना। हालांकि इसके सोर्सेस से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि इसमें पता नहीं है ना कि श्योरिटी नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ ये किस किस शहर से होके निकलती है वो आपको याद होने चाहिए अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। देखो एल पासो, जो एल पासो है वो हमारा है टेक्सास सिटी में, ठीक है ना। अब जो है दूसरा वाला शहर वो है हमारा अल बुरा के क्यू, अल बुरा के क्यू, जो अल बुरा के क्यू है वो है हमारा न्यू मैक्सिको की सिटी है। अगर न्यू मैक्सिको की सिटी देखेंगे तो मैप पे भी दिखा दूंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। और दूसरा जो शहर है वो है सियुडेड जुरेज, और जो सियुडेड जुरेज है ये टेक्सास का ही एक सिटी है जो अल पासो के पास में ही पड़ता है। देखो ज्यादा बोरिंग वाली बात नहीं ही करेंगे, लेकिन हाँ बात करेंगे डेजर्ट की जरूर कर लेंगे कि रियो ग्रैंड किस डेजर्ट से होके निकलती है। जो डेजर्ट का नाम है वो है लेस क्रेसिस, लेस क्रेसिस डेजर्ट, और लेस क्रेसिस जो डेजर्ट है माय डियर फ्रेंड वो आपका न्यू मैक्सिको में ही पड़ता है, न्यू मैक्सिको में ही पड़ता है। अब जैसे कि मैं बात करूं आपसे रियो ग्रैंड, रियो ग्रैंड, एक सेकेंड, रियो ग्रैंड जी, अरे सी दिस, रियो ग्रैंड जो है एक रिवर है, और इसका अगर हम मुख्यतः ओरिजिन पॉइंट देखते हैं तो ये आपका पड़ रहा है मैक्सिकन सिटीज में, ये जो है मैक्सिको कंट्री आपको दिख रहा होगा मैक्सिको। अब इसका जो ये फ्लोएशन रूट है मैंने बताया है अलग अलग शहर से, नुवेन भी है, कोचुआ भी है, और इसके अलावा थोड़ा ड्रैगनो भी है, लेकिन ये गिरती कहाँ पे, गिरती है ये जाके आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में, कहाँ पे है इसको मैं बता देता हूँ, ये गिरती है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपका ये रहा। कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अजय शर्मा, पायल सेन, जीत, If you have any doubt, please ask me. बताओ दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो पूछो, तभी तो बताऊंगा। ऑलमोस्ट थंबनेल कर दो कि आगे चलो तो मैं इसको आगे भी बढ़ जाऊंगा। ओके दैट्स राइट। अब जो मैं बात कर रहा था रियो ग्रैंड रिवर की, मुख्य रूप से ये रहा, देखो मैं थोड़ा सा इसमें पेन का कलर चेंज कर लूं ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखो ये जो है रियो ग्रैंड रिवर है, जो रियो ग्रैंड रिवर है ये आपका ऊपर से आ रही, यानी कि इसका जो अननोन नेम है ना, क्योंकि कुछ है जो अंडरग्राउंड वाटर से आके इसको आगे जाके मिल जाती है, तो आप देखेंगे यहां से जब ये मिल रही है तो ये जो एफ टी क्वांटमेन प्रिस्लेडो और ये जितनी भी इसमें आपको ब्लू कलर दिख रहा है ना, चुविस वेकर, ये सिटी भी है फ्लोरिडो, ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके मुख्य रूप में मत जाना, काफी ज्यादा हमारे लिए हैक्टिक हो जाएगा, इतना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें यूपीएससी में नहीं लिखना। तो ये कहाँ पे गिर रही है आपकी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, देखो ये रहा, और मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है, मैक्सिको शहर से या मैक्सिको देश से, और मैक्सिको किसका हिस्सा है, ये है हमारा साउथ अमेरिका, और कहां गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यही बता रहा था मैं आपको। अब सेंट लॉरेंस रिवर, जो सेंट लॉरेंस है मुख्य रूप से आप लोगों ने झील के बारे में पढ़ा होगा या कुछ भी पढ़ा होगा, तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका की बात की जा रही है,
और नॉर्थ अमेरिका की बात अगर की जा रही है तो मुख्य रूप से देखो एक देश का नाम है कनाडा, कनाडा हमारी भाषा में तो उसको क्या बोलते हैं, कनाडा भी बोल देते हैं, आप लोग कनाडा बोलते होंगे है ना, तो कनाडा। अब जो सेंट लॉरेंस रिवर है, आप देखो यहाँ पे ठीक से देख रहे हो कि यहाँ पे एक लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन भी है, लेक हर्सन भी है, लेक इरिक भी है, लेक ओंटेरियो भी है, लेकिन यहाँ से जो इसका ओरिजिन पॉइंट है इस लेक से ऐसे में से मुख्यतः नहीं माना जाता, लेकिन हाँ पानी की बात करेंगे तो इसका पानी ओंटेरियो से निकलता है। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टेरिटरी है कनाडा की, पानी यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और फिर जाके ये अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाता है। कहाँ पे गिर जाता है? अटलांटिक ओशन में। ये मेरी फोटो के पीछे एटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, तो इसका मतलब ये है अटलांटिक ओशन। अगर मैं ऐसे करूँ तो आपको दिख जाएगा, देखो अटलांटिक ओशन देख लूं मैंने वहां तक रीड किया नहीं किया लिप सिंक को अपनी। अब जो इसका मैं लेक की बात बता रहा था, देखो जो एक ओरिजिन है पानी का एक यहां से निकलता है, लेकिन ये जो पानी का ओरिजिन है इसको मुख्य रूप से क्या बोला जाता है कि अननोन प्लेस है तो नहीं चलता पता। अब ये जो है लेक ओंटेरियो ये प्रमुख क्षेत्र है कहां से, जहां से सेंट लॉरेंस नदी आपकी निकलती है, तो लेक ओंटेरियो इसका क्या है, एक है सोर्स। ओंटेरियो या एग्जैक्टली बिहाइंड मी लेक ओंटेरियो, और जो इसका माउथ है यानी कि जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो कहां पे है, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन इफ यू हैव एनी डाउट तो फिर पूछो कुछ मुझसे। और आप लोग मुख्य रूप से देख रहे होंगे जो नियाग्रा वाटरफॉल है, चलो इसके बारे में आप मुझे बताना अभी, जो नियाग्रा वाटरफॉल है ये आपका दोस्त, अभी तो क्लास चलेगी, आज सैटरडे है तो क्लास काफी लंबी चलती है, इस लाइक ए मैराथन। वैसे तो मेरी क्लास ऑलमोस्ट 2 आवर्स की होती है, लेकिन आज सैटरडे थोड़ा लंबी करूंगा, 3 आवर्स 4 आवर्स तक की। हाँ मैं बीच में ब्रेक दे दूंगा 5 मिनट के लिए, मुझे भी पानी वानी पीना होता है। हाँ नियाग्रा फॉल वाटरफॉल के बारे में बात की जा रही है। आप मेरे को ये बताओ जो नियाग्रा वाटरफॉल है ना वो किस किस रिवर पे है, यानी कि कौन सी रिवर पे, विच रिवर, एक तो होगी लॉरेंस, उसके अलावा बताओ। अब जो माउथ है वो देखो अटलांटिक ओशियन है, लेकिन जो अटलांटिक ओशियन है वो एक बहुत बड़ी ट्रीटी है, यानी कि बहुत बड़ी एक एरिया है। कौन सा है, नॉर्थ से है, ईस्ट से है, वेस्ट में है, साउथ में है या सेंटर में, तो जहां पे ये क्या बोलते हैं अटलांटिक ओशन में गिर रही है तो उसका नाम है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यानी कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। मुख्य रूप से पूछा जाएगा ऑप्शन में तो अटलांटिक ओशन आ गया, अगर अटलांटिक ओशन वो नहीं पूछ रहा है तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये भी आ सकता है, तो दोनों याद रखना। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, जो नर्मदा रिवर है वो अरब सागर में गिरती है सभी को पता है, लेकिन अरब सागर तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, तो अरब सागर में कहाँ गिरती है, उसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ खंबात। तो ठीक इसी तरीके से कहां गिरती है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज इक्विवेलेंट टू अरब सागर, क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा अलग नजरिए से देखें, और ये जो गल्फ ऑफ खंबात है लाइक एज ए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, कोई डाउट हो तो पूछो। अब इसके अलावा जो सिटीज हैं कनाडा में जहां से ये सेंट लॉरेंस नदी निकल रही है वो क्यूबेक सिटी, मॉन्ट्रियाल, और जो मॉन्ट्रियाल है वो कनाडा का ही अंडर में आता है, उसके ही प्रोविजन क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। और जो है इसमें और भी सिटीज हैं, देखो मॉन्ट्रियल, देखो मुख्य रूप से जो पूछी गई है ना जो मैच मेकिंग क्वेश्चन में पीसीएस स्टेट्स में आता है, और फिर यूपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन आने वैसे बहुत कम हो गए हैं, हालांकि एक स्टेटमेंट बन जाती है कभी कभी, एक या दो, इससे ज्यादा नहीं बनती, लेकिन जब इस रूट पे हम ट्रेडिंग की बात करेंगे ना सी ट्रेड के बारे में तो हमें सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, तो क्यों ना अभी से पढ़ के चलें। क्यूबेक सिटी कनाडा, मॉन्ट्रियल जो है एक कनाडा की क्यूबेक सिटी का ही प्रोविंस है, और सेकेंडली है ट्यूरस रिवर्स जो प्रोविंस है आपका फिर से कनाडा, क्योंकि कनाडा है एक बहुत बड़ा शहर में आता है, उसका जो एरिया है काफी वाइड है। ब्रोकविले, जो ब्रोकविले है जो ईस्टर्न ओंटेरियो, ये जो है आपका ओंटेरियो वाला क्षेत्र है नीचे वाला, तो इसके ईस्टर्न वाले क्षेत्र में
और मुख्य रूप से जो है आपका कॉर्नवॉल, कॉर्नवॉल जो है ये भी आपका ईस्टर्न ओंटेरियो में है, और इसके अलावा जो है ये ओडेंसबर्ग, जो जी है यहाँ पे साइलेंट है, ओडेंसबर्ग, ओडेंसबर्ग जो है सेंट लॉरेंस कंट्री का ही एक छोटा सा प्रोविंस है, सेंट लॉरेंस का, ये है आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। तो आप लोग इसको ठीक से देख लेंगे, समझ लिया होगा आपने। जो नई रिवर है आपकी वो है कोलोरेडो रिवर, हिंदी में इस कुछ इस टाइप से, कोलोरेडो रिवर। अब जो कोलोरेडो रिवर है उसका जो, देखो दो चीज आप मुख्य रूप से पढ़ेंगे, एक तो उसका सोर्स कहाँ से है और फिर उसका माउथ कहाँ पे है, उसके बाद आपकी जो नॉलेज है वो शुरू होती है। लेंथ तो कोई नहीं पूछता इस टाइप से, देखो लेंथ तो बता रखा है वैसे मैंने, 2334 किलोमीटर की लेंथ है, और जो सोर्स है ला पोड्रे पास लेक। अब जो ला पोड्रे पास लेक, ये मुझे मैप पे या इमेजेस पे कहीं मिला नहीं, लेकिन हाँ ये ऐसा एक एरिया डेवलप होता है कोलोरेडो रिवर का, क्योंकि इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताऊंगा। ये यहाँ पे एक टाइप से रेड स्टोन, लाल पत्थर जिसे हम बात मुख्य रूप से बलुआ पत्थर भारत में बोलते हैं, और इसके अलावा जो इसका डेवलपमेंट है कोलोरेडो का वो प्री पैलियोसीन हेलोसीन, हेलोसीन ईरा में हो रहा है। यार इस पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ लिख दो ना, हेलोसीन ईरा में हो रहा है। और जो ईरा है वो जो हिंदी में बोलते हैं युग, युग के जो चैप्टर्स हैं अगर आप ठीक से देख लोगे ना, तो आपको रॉक्स, रिवर, पर्वतों का निर्माण, रिफ्ट वैली, वलयाकार पर्वत, मोड़दार पर्वत, सब यूं आसानी से समझ में आ जाएगा। जो हेलोसीन है, हेलोसीन ये आपका फोर्थ टाइप के ईरा में शुरू होता है, जैसे प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, अर्काइन। मैंने इस पे वीडियो पहले बनाई हुई है क्लास से रिलेटेड, तो इसके बारे में बात बाद में करेंगे। अब जो ये गिरती है तो वो गिरती है आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब आप मेरे को ये बताओ, जो कैलिफोर्निया है ये नॉर्थ अमेरिका में है या साउथ अमेरिका में है? अगर आप मेरे को अभी बताओगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं गूगल की हेल्प लेके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि आपने मैप तो लेके बैठे नहीं होंगे ना। चलो बताओ, वेयर इज द लोकेशन ऑफ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया? The Colorado River is one of the principal rivers of the southwestern United States and North Mexico. Jeet, Bayal, Ajay, Vidya, I hope you gone. अरे बताओ दोस्तों, मैं तो आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि कब तक आप लोग कमेंट बता दोगे तो थोड़ा सही रहता है। चलो बात करते हैं, देखो जैसे कि टर्म्स में लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, तो मुख्य रूप से ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका ही हो गया ना, नॉर्थ अमेरिका। अब जो है ये नॉर्थ मैक्सिको, अब नॉर्थ मैक्सिको की लोकेशन देखने के लिए फिर से अगर मैं आपको लेके चलता हूं गूगल पे, तो देखो मैक्सिको ये तो पड़ेगा आपका साउथ में, लेकिन ये थोड़ी सी लिखने की कमी है, कमी समझ लो, या फिर इसको आप ऐसे समझो कि ये लिखने में गलती की गई है, जो स्लाइड्स बना रहे थे वो जो है आपका कैलिफोर्निया। दिस वन, दैट्स एग्जैक्टली ग्रेट। ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स का जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने जूम किया है, शायद आप लोगों की समझ में आ जाए। ये देखो, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स है नॉर्थ अमेरिका में, और ये जो हिस्सा है इधर वाला, जहां पे ये रेड कलर का आपको, लाइट रेड कलर आपको दिख रहा है, जहां पे मेरा इस टाइम माउस चल रहा है, ये तो ये दोस्तों आपका कैलिफोर्निया का शहर है, जहां पे आपका कोलोरेडो रिवर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो कोलोरेडो रिवर है इसके बारे में यही है कि ला पोर्डो लेक से निकलती है, और यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ मैक्सिको नहीं है, कैलिफोर्निया है, ठीक है ना। और ये कहां पे गिरती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अगर हम गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो आप लोग इसको देख रहे होंगे ठीक से कि जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये जो हिस्सा है ये है आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो ब्लू कलर का वाटर है, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये जो है इसके
किनारे बसने वाली सिटीज या इसके जो किनारे पे जो सिटीज हैं, जो मुख्य नगर हैं, वो देखो आप, सेंट लुइस, रियो कोलोराडो और यूमा। और यूमा जो है एरिजोना का जो साउथ पे है, एरिजोना आपने काफी बार बारे में ये ज्योग्राफी में नाम पढ़ा होगा और हॉलीवुड की मूवी मूवी आपने ये नाम सुना होगा, मोआब। मोआब मोआब जो है ये भी आपका उटाह में है, और उटाह जो है आपका ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूएस में है, यानी कि यूएस के आसपास का पार्ट है। ऑस्टिन, ऑस्टिन जो है ये आपका टेक्सस की कैपिटल है। टेक्सस की कैपिटल क्या है? ऑस्टिन। तो वहां से ये नदी निकलती है। दूसरा है आपका बुलहेड सिटी। जो बुलहेड सिटी है ये क्या है, एक तरीके से मोहाब के आसपास में है। क्या नाम बताया मैंने? बुलहेड। और किसके आसपास? मोआब। अब इसके अलावा जो है ये है लेक वांस की सिटी, ग्रैंड जंक्शन और ग्लेनवुड स्प्रिंग्स। जो ग्लेनवुड स्प्रिंग्स है ये स्प्रिंग्स मौसम से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है। जो मुख्य रूप से आप यहाँ पे क्या नाम याद रखेंगे? यूमा, मोआब। यूमा और मोआब। और जो एक कैपिटल और है टेक्सास की, जो मैंने बताया था ऑस्टिन, इसको आप सिर्फ कैपिटल के नजरिए से याद रखेंगे, बोलेंगे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, कैपिटल ऑफ विच स्टेट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो है आपका कहाँ पे है? कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के साइड से आती है कैलिफोर्निया की तरफ, और कैलिफोर्निया से गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ये मर्ज हो जाती है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं आगे लेके चल रहा हूं। अब जो है इसमें बात कर रहे हैं हम डैम की, तो इसमें जो डैम है वो है डैम हूवर। अब जो हूवर डैम है वो पूरे विश्व का ऐसे एक ऐसे तरीके का डैम है जो सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है। कैसा डैम है? ग्रेविटी, ग्रेविटी डैम है। और जो है ये आपका ब्लैक कैनियन में डेवलप हुआ है, यानी कि ब्लैक कैनियन में ये डेवलप हुआ है। और जो आप लोग अगर मुझसे पूछो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक कैनियन, तो आप मेरे से पूछो तो मैं बताऊं। जो ब्लैक कैनियन या ग्रैंड कैनियन है, जो कैनियन है उसको बोला जाता है हिंदी में रीफ, ठीक है? और रीफ को बोला जाता है कोरल। कोरल से बनी हुई एक टाइप की दीवार, एक टाइप की वॉल या चट्टाने, ये आपकी कहलाएंगी ब्लैक कैनियन, रेड कैनियन और ग्रैंड कैनियन। जीत, यू देयर? पायल सेन, यू देयर? अजय कुमार, यू देयर माय डियर फ्रेंड? अगर हो तो बताओ, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के एक थम का कि आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, तभी तो मैं इसको ठीक से कर पाऊंगा आगे। शुरू करूं फिर? राइन रिवर, हिंदी में इस कुछ ये इस तरीके से लिखा जाता है। राइन रिवर का मतलब क्या है? राइन रिवर एक नाम ही है, एक्चुअल में क्या है, ये एक तरीके की जो है यूरोपियन रिवर है, जो एक क्या बोलते हैं अपने आप में एक बहुत बिजी रिवर है, बहुत व्यवस्थित रिवर है। और साथ में जो इसका ओरिजिन है वो है स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड से इसका ओरिजिन है। और ये मुख्यतः जिन जिन देशों में बहती है ना, उसका नाम है जर्मनी। और जो स्विट्जरलैंड में ये जर्मनी से बह रही है, तो जर्मनी में जहां से ये बह रही है उसको बोला जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। जगह का नाम है, जंगल है ब्लैक फॉरेस्ट। आप चॉकलेट या केक मत समझ लेना। और मोस्टली जो नॉर्थ डायरेक्शन के जितने भी देश है वहां से बहेगी जर्मनी और नीदरलैंड। जर्मनी में है आपका ब्लैक फॉरेस्ट और दूसरा है आपका नीदरलैंड। आई होप आप लोग सब जा चुके हो नीदरलैंड, है ना? अब इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है हिंटरियन। ये जो है जैसे कि हमारी एक रिवर है ना इंडियन, एक है तुंग, दूसरी है भद्रा,
तो जब तुंग और भद्रा मिलती है तो क्या कहलाती है? तुंग भद्रा, यही है ना। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से है, एक दो रिवर्स हैं इसमें, जिसको बोला जाता है हिंटरियन। मैं लिख देता हूं आपको, हिंटर आर एच ई आई एन, और दूसरा है आपका रेन रिवर। जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तब कहलाती हैं राइन रिवर। और जो माउथ है नॉर्थ सी में जाके ये गिरती है, कहां पे? नॉर्थ सी में। अब नॉर्थ सी की लोकेशन आप मेरे कमेंट में बताओ, उसके बाद में अगर आपने मुझे विद इन 60 सेकंड नहीं बताया तो मैं इसको क्या बोलते हैं गूगल की हेल्प से आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मैप लेके बैठते नहीं हो। ये जो रिवर है यूरोप में सबसे ज्यादा बिजी रिवर है, यानी कि इसमें जो ट्रेडिंग है सबसे ज्यादा हो रही है, और ये जो है एक टाइप में कोल रिवर भी कहलाती है, यानी कि कोयला नदी। ऐसा नहीं है यहाँ से कोयला निकलता, लेकिन हाँ इसके जो बेसिन एरिया है यहाँ से कोल का खनन यानी कि कोल की माइनिंग जरूर होती है, और जब कोल की माइनिंग हो रही है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ठीक से देख लेंगे आप, ये वाला जो है स्विट्जरलैंड, ये रहा आपके नीचे, यहाँ से इसका ओरिजिन है राइन रिवर का। ये आपका जर्मनी, देखो ये रहा कंट्रीज, तो ये ग्रे कलर है जर्मनी से है, तो ये यहाँ से होती हुई जर्मनी के जो ये एरिया है, जैसे कि आप देख लेंगे ये मैनिलम, मेनेज, कोबलेज, इसीन, अर्नेम, इस टाइप से जाके ये द नीदरलैंड में एंट्री करती है, और नीदरलैंड में एंट्री करने के बाद ये नॉर्थ सी है यूरोप में, ये यहाँ पे जाके आपका मर्ज हो जाती है, ड्रेनेज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो आप ठीक से देख रहे हो, जैसे ये एनरेम यहीं तक बताया था मैंने, अब यहाँ से इसकी ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, जैसे कि हमारी गंगा की एक हुगली हो जाती है, एक पद्मा हो जाती है जो बांग्लादेश के साइड में चली जाती है। तो ठीक इसी तरीके से एक रिवर है जो चली जाती है आपकी जियांजिल मेर, और दूसरा चली जाती है ये आपका हुएक, द हुएक, जहाँ पे आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पे जाके ये दोनों की दोनों, एक गिरती है इधर और एक गिरती है इधर, दोनों सेक्शन बनाती हैं, लेकिन गिरेगी कहाँ पे? नॉर्थ सी में, याद रखना बस इतना, कहाँ पे? नॉर्थ सी में, और कुछ नहीं है इसके बारे में। अब जो मुख्य रूप से बात करी जाएगी डैन्यूब रिवर की करेंगे, लेकिन राइन रिवर की इतना ही काफी है। और ये जो है डैन्यूब रिवर, ओरिजिन है इसका ब्लैक फॉरेस्ट, और जो ब्लैक फॉरेस्ट है सभी को पता है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है आपका जर्मनी, ये रहा ना जर्मनी। और जर्मनी के बाद क्या है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक से देखेंगे आप, ये जर्मनी में है उलन से, यू डबल एल एन, उलन, और उलन के बाद ये विभिन्न मुख्य शहर से निकलती है, लेनिसबर्ग हो जाएगा, पसाऊ है, और इसका ब्राटिसलवा है, बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है, यानी कि छोटी छोटी कंट्री हैं, यहां से होती हुई ये जाके गिरती है आपकी ब्लैक सी में। कहां जाके गिरती है? ब्लैक सी में। कौन सी रिवर है? डैन्यूब। और डैन्यूब जो है पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप, लॉन्गेस्ट रिवर। अगर बात करते हैं बिजिएस्ट वाली, तो बिजी वाली सबसे इधर वाली थी जिसकी बात कर रहे थे हम, राइन, और डैन्यूब सबसे लंबी नदी है यूरोप की। अब जो इसमें सिटीज हैं वो कौन कौन से हैं? सिटीज हैं बेलग्रेड, स्लोवाकिया, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना। वियना एक टाइप से क्या है, ये अलग अलग देश भी हैं और अलग अलग से शहर भी हैं। बेलग्रेड, स्लोवाकिया, बुखारेस्ट, वियना ऑस्ट्रिया में, इसमें सबसे बड़े क्या है, शिपयार्ड भी बोल सकते हैं हम, और इसको हम डॉकयार्ड भी बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है जो इसका माउथ है ब्लैक सी है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा ये रहा ब्लैक सी, जहां पे ये ब्लू रंग का कलर है, और इसके अलावा जो इसका सोर्सेज है वो है बियाग्रेक और ब्रेक। बियाग्रेक और ब्रेक जो है उलुन का ही एक सब पार्ट है, उलुन जो है जर्मनी में, तो यहीं पे एक सब टेरिटरी है। क्या नाम बताया मैंने उसका? ब्रिग और ब्राग, ये रहा ब्राग और ब्रिग, दोनों ही रिवर्स हैं, जब दोनों मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी नदी का नाम है डैन्यूब रिवर, डैन्यूब रिवर, यू गॉट इट।
इसके अलावा कुछ और हो तो आप मुझसे पूछो, अदरवाइज मैं चल रहा हूँ। रिवर का नाम है वोल्गा। वोल्गा एक बड़ी अच्छी राहुल संस्कृत्यायन साहब की बुक है, गंगा से वोल्गा तक। तो उसमें जो आप लोग ने हिस्ट्री पढ़ी होगी या जो भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जितनी भी मानव सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा, गंगा से वोल्गा तक। ऐसे गंगा से वोल्गा तक ये बुक का नाम है, और इसके जो लिखने वाले हैं वो राहुल संस्कृत्यायन। जैसे कि आपने कुछ भी हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, मानव सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा, तो जब आप इस बुक्स को पढ़ोगे तो आपके सोचने का तरीका खुलेगा। वाइड तरीके से आप सोचोगे कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता था आज के संदर्भ को देखते हुए। फिर इसमें से एक आर्यन का टॉपिक भी आ जाएगा। सपोज करो कि अगर आपको आज के मानव समाज को देखते हुए पता ना चले कि ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी भाई है, पिताजी, कुछ भी रिश्ता समझ लो, ऐसा कुछ ना होता तो फिर समाज कैसा होता। तो उस स्थिति से लेके और आज की स्थिति 12 दिसंबर 2020 तक का जो संदर्भ है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, देखने का तरीका अलग हो जाएगा। तो ये जो है आप इस तरीके से देखेंगे, ये जो वोल्गा रिवर है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है रशिया में ही है। इसको बोलते हैं रिबिंसिक रिजर्वायर। जी, तो फिर आपने बुक पढ़ी है, तो ये जो आगे जाके गिरती है, ये गिरती है आपकी कैस्पियन सी में, यानी कि कैस्पियन सागर। अब ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये आपका कवर हो रहा है सिर्फ रशिया में, और कुछ नहीं है। मुख्य रूप से उस बुक्स में बताया गया है जो मानव सभ्यताएं हैं आर्यन या उससे पहले की, वो कहां से आए हैं। कहते हैं कि वोल्गा, सेंट्रल एशिया, व्हाटएवर जो भी है, इसको आप एक बार देखोगे तो पढ़ लेना। अब ये जो है इसमें जो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ द यूरोप, जिसकी मैंने बात की है, वोल्गा, और राइन सबसे बिजिएस्ट है, और ओरिजिन है इसका वल्डाई हिल। मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो इसकी जो ओरिजिन है वो कौन सी है, वल्डाई हिल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं वल्डाई हिल। और माउथ है इसका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में इसका जो है ड्रेनेज सिस्टम है, बताया था ना मैंने, ये जो आपका जो ये ब्लू कलर की वाटर है, ये जो क्षेत्र है, ये आपका है कैस्पियन सी। और जो निकलती है रिजर्वायर, ये किसका है, ये इसका जो नाम है वो है वल्डाई हिल। क्या है, वल्डाई हिल। मुख्य रूप से आप इसको देख रहे हो, और ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो है ओका रिवर, कामा रिवर, अक्तूबा रिवर, और समारा रिवर। समारा रिवर और अक्तूबा, ये अगर आप ठीक से टेरिटरी रशिया की देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, एक तो आप ओरिजिनल तरीके से पढ़ लो कि आपने एक एटलस का मैप खोला और खुद ये जो मैं आपको सिटीज बता रहा हूँ, ओका, कामा और ये अक्तूबा, ये खुद रशिया में ढूंढना शुरू कर दो। और उसके अलावा अगर आप कुछ देखना शुरू कर रहे हैं इसके अलावा, तो ये देखो जो ट्रेडिशनल रूट है इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे आप बता लो ना, कोई सा भी शहर बसा लो अपने हिसाब से। जैसे कि है ओका, कामा, यहाँ पे ओका कर लो, यहाँ पे कामा कर लो। कर लो का मतलब ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, समारा है, अक्तूबा है, अक्तूबा और समारा, बस। अगर आपने ये दो या तीन बार प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो वोल्गा रिवर का जो ट्रेडिशन रूट है वो रशियन क्षेत्र में क्या है, वल्डाई हिल से होते हुए ये आपका कैस्पियन सागर तक है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है यूरोप का। जीत फिक्स विष्णु आईपीएस। अच्छा, जीत फिक्स, तो बताओ दोस्त, कोई डाउट हो तो पूछो। और अजय, आप शायद जा चुके हो मेरे दोस्त। पायल सेन सर, क्लास कब खत्म होगी? क्लास तो थोड़ा चलेगी अभी, और
विद्या यू हैड गॉन, संजय कुमार यादव जी सर कह के ही गायब हो गए, दर्शिका राठौर ओके नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर। अगर कोई डाउट हो तो दोस्त पूछना, लेकिन क्या है शिद्दत से पढ़ो, कभी कम ना हो। अब बात कर रहे हैं हम नाइजर रिवर की। नाइजर नाम से भी पता चल रहा होगा, नाइजर मैंने तो ये सबसे पहले क्या है ना एक हॉलीवुड मूवी में पढ़ा था, सॉरी देखा था, तब से जाके मेरे को थोड़ा याद हुआ, आज से 10 साल पहले की बात है। जो नाइजर है ये एक अफ्रीकन रिवर है ना। अब इसका जो सोर्सेज है देखेंगे ना, अफ्रीका का जो जैसे नाम से चल गया होगा पता है कि सहारा डेजर्ट है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ये जो अफ्रीकन टेरिटरी है, ये वाली अफ्रीकन जो आपके इस टाइम पे स्क्रीन पे दिख रही है, तो दोस्तों ये जो फ्रेंच गुयाना है या जो गुयाना वाली टेरिटरी है, ये देखो ये जो है यहाँ पे दिखा हुआ ना गुयाना, तो इसका जो एक लैंड है जिसको कहा जाता है हाईलैंड। हाईलैंड्स तो हमारे यहाँ जींस वींस की दुकानों पे खूब लिखा मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है जगह का नाम है टेम्बकाडोना। अब यहाँ पे जो है गुयाना से निकलती है ये रिवर, जब ये गुयाना से निकलता है नाइजर, ये आपका क्या बोलते हैं बोमाको, माली, नाइजर, नाइजीरिया, ऑन्टिशा होते हुए ये गिर जाता है नाइजर डेल्टा में, यानी कि अटलांटिक ओशियन में। मुख्य रूप से अगर आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र है ये एक ह्यूमिड एरिया है, और ह्यूमिड के साथ साथ ये ड्राई भी है, ड्राई ह्यूमिड या ह्यूमिड ड्राई एरिया है। अब ये ह्यूमिड ड्राई एरिया इसलिए है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से जो एक मतलब पानी की जलधारा है वो कोल्ड जलधारा है, यानी कि पानी की ठंडी जलधारा है। जो ये पानी की जलधारा ऊपर आ रही है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि पोल की साइड से इसका मूवमेंट है, पोल की साइड से मूवमेंट इसलिए है क्योंकि इक्वेटर आपका इससे भी नीचे है, यहाँ पे इक्वेटर है, तो जो पानी की जलधारा यहाँ से आ रही है, तो परहैप्स एक उम्मीद है कि ये आज से 10,000-20,000 पहले इसका जो मूवमेंट हो वो यहाँ से ना हो, इधर उसकी साइड ना हो, ये इसका मूवमेंट जो है इस साइड को ऐसे हो। मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको समझो, इसका मूवमेंट इस साइड को हो, लेकिन जो पृथ्वी पे भौगोलिक संरचनाओं में परिवर्तन हुए हैं, तो जो विंड है या जो ओशन करंट है वो भी तो अपनी मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो 10,000 साल बाद, 20,000 साल बाद इसका जो मूवमेंट है वो इधर ना जाके वो हल्के हल्के इधर शिफ्ट हो गया हो, ऐसे ऐसे करके, यानी कि इस कोस्टल लाइन के सहारे, ऐसे करके इस वाली कोस्टल लाइन के सहारे, ऐसे करके ये पहले ये इधर इसका जो मूवमेंट हो वो इधर की साइड हो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब यहाँ पे इस वाले एरिया में, गुयाना में, बोमाको में, सहारा वाले ये वाला एरिया जितना भी है, तो जितनी भी यहाँ पे पवनों का निर्माण होता हो, क्लाउड का निर्माण हो रहा होगा, तो उसने क्या हो क्या किया गया होगा, मॉइस्चर उसका एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होगा। मतलब एक तरीके की ये स्टोरी है, अभी प्रूव्ड नहीं है, लेकिन एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होगा, तो यहाँ पे जो है जो मॉइस्चर होगा वो सूखना शुरू हुआ। जब मॉइस्चर सूखना शुरू हुआ तो यहाँ पे धीरे धीरे इस एरिया में क्या हुआ, सहारा डेजर्ट यानी कि डेजर्ट का निर्माण हो रहा है। कहते हैं ना कि आज से लगभग 10,000 साल पहले जो सहारा डेजर्ट था उसमें भी वनस्पति थी, उसमें भी वेजिटेशन था, उसमें भी ग्रीनरी थी, ग्रीनरी थी, लेकिन वो खत्म कैसे हुई, वो इसी वजह से हुई है, यही इसका मुख्य कारण है। किसका, जो आपकी यहाँ पे एक ठंडी जलधारा है, क्या नाम है उसका, केनारी जलधारा। आप लोगों ने समझा इस चीज को, चलो मैं इसको, आप इसको याद रखना, यहां लिखता हूं केनारी जलधारा। अब मुख्य रूप से हम पढ़ रहे थे नाइजर रिवर। नाइजर रिवर जो है मुख्य रूप से क्या है, ये अफ्रीकन रिवर है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है गुयाना में, टेम्बकाडोना से होते हुए ये जाके गिरती है आपका अटलांटिक ओशन में, नाइजीरिया होते हुए। अब इसका जो सोर्स है मैंने बताया है गुयाना हाईलैंड, और जो माउथ है वो है आपका गल्फ ऑफ गुयाना या अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन तो बहुत बड़ा है, अब अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है तो उसका जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे ये गिर रही है, उसका नाम है आपका गल्फ ऑफ गुयाना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गल्फ ऑफ गुयाना ट्रेनिच,
अब इसको जो कहा जाता है, नाइजर को कहा जाता है ऑयल रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस नदी में तेल ही तेल निकल रहा हो, पानी नहीं हो, लेकिन हाँ इसके आसपास के जो बेसिन एरिया है वहां पे तेल और नदियों की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। नदियों के अंदर से भी तेल निकलता है जो जहां जहां पे ड्राई एरिया है। अब इसके अलावा जो इसके फैक्ट हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो नाइजर नदी है इसका जो एक मतलब कि कैचमेंट एरिया है, प्रभाव क्षेत्र है, जो इसका कैचमेंट एरिया है वेस्ट अफ्रीका का एक मेन है, यानी कि बड़ा तो नहीं है लेकिन मेन है। लेकिन इसके अलावा अगर मेन की बात करते हैं हम, तो नाइजर के साथ साथ नील का सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है और कांगो नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है। तो नाइजर का जो है नंबरिंग में थर्ड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है। अब इसमें जो है बात करते हैं नाइजर नदी की जो सहायक नदियां हैं या जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो है बॉनबे। अब बॉनबे जो नाइजर नदी में यहाँ पे मिलती है, देखो 250 माइल यानी कि आपका लगभग ओनिटिशा, शायद मेरे उसमें एग्जैक्टली ओनिटिशा दिख रहा होगा आपको, ओनिटिशा लगभग जो है मुहाने से, इसके मुहाने मतलब जहाँ पे ड्रेनेज पॉइंट है वहां से 250 माइल दूर है। ये यहाँ पे एक रिवर है इसकी जिसका नाम है बोनावे। क्या नाम है? बोनावे। और जो बोनावे है वो कहाँ पे है? ओनिटिशा में। गॉट इट? अब बात करते हैं कि नाइजर रिवर्स में जो कल्टीवेशन है वो मुख्य रूप से किन किन चीजों का है। जो कल्टीवेशन है वो है हमारे यहाँ पे इसमें मतलब नाइजर रिवर में पैडी, धान जिसको हम दूसरी फॉर्मेशन में राइस भी बोल सकते हैं, और दूसरा है हमारा शुगर केन। चलो यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। कॉटन, देखो राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, शुगर का कल्टीवेशन हो रहा है, कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा है, तो आप मेरे को ये बताओ कि इस चीज की फसल के लिए कितनी वर्षा या कितना हमें तापमान चाहिए और इसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, जरा बताना। विष्णु टेल मी। देखो दोस्तों जो राइस है ना उसका जो एरिया है उसके लिए हमें पानी चाहिए होगा, यानी कि जो टेम्परेचर तो नहीं लेकिन एनुअल रेनफॉल स्टैंडर्ड जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर एनुअली है। अगर ये तो स्टैंडर्ड के रूप में मान लेते हैं हम, जैसे कि भारत में तमिलनाडु में जितना हो रहा है, वेस्ट बंगाल में, अगर 50 to 60 सेंटीमीटर पर एनुअल बरसात भी हो रही है ना, तो वहां पे आपका धान की फसल हो जाएगी। थोड़ा सा 50 से अब जाना पड़ेगा, अगर कैचमेंट एरिया को पकड़ेंगे 60 से 80 को वेरी कर सकते हैं। जितना अच्छा पानी की सुविधा उतने अच्छे चावल की सुविधा, सही है ना। दूसरा है शुगर केन। हाँ राइस की बात अभी रह रहे हैं, जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए जब हम उसको पेडी कर रहे हैं, जब हम लगा रहे हैं, तो ह्यूमिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ह्यूमिड। और ह्यूमिड जो तापमान होगा वो 25 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप लोग उसको छोड़ के जा रहे हो इसको पढ़ो, 25 से 40 डिग्री। और जब इसकी कटिंग होगी, जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, तो आपका तापमान होना चाहिए 18 से लेके 25 डिग्री का लगभग। और दूसरा नाइजर, चलो फसल की बात नहीं करेंगे, मुख्य रूप से आज हम टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे रिवर्स का। अब जो है ये रिवर्स है हमारे पास कांगो, जो कांगो रिवर्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये एक अफ्रीकन मैप है जो आपको आपकी स्क्रीन पे पूरा मुख्य रूप से दिख रहा होगा ये। और कांगो जो रिवर है वो यहाँ से लगभग आपका निकलता है क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर से, लेकिन मुख्य रूप से ये विषुवत रेखा को यानी कि इक्वेटर को, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, इसको ये दो भागों में कट करता है। देखो ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है ये आपकी इक्वेटर है, और रिवर आपकी कांगो ये रही। मैं इसको यहां से कलर इसको चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां से आप ये गए ऊपर की साइड को, इक्वेटर आपने फर्स्ट यहां पे कट करा, दूसरा ये आप यहां पे आए तो आपने कट यहां पे करा,
तो बाकी ये बाद में जाके यहाँ पे अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाती है, अटलांटिक ओशन में, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ए पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट यहाँ पे कांगो इक्वेटर को दो बार कट करती है। किसको? इक्वेटर को। अब इसको यहाँ पे देखेंगे आप, कांगो जो नदी है उसको जायरे भी कहते हैं, और ये अफ्रीका की एक मेन रिवर है। कैसी है? एक मेन रिवर है जो लगभग 4,700 किलोमीटर का, क्या बोलते हैं, एक डिस्टेंस कवर करती है। और डिस्टेंस कवर करने के बाद ये नदी जो है आपकी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यानी कि बात कर रहे हैं जो कांगो है सेकंड पे है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो नाइल नंबर वन पे है, नंबर टू है कांगो, और नंबर थर्ड है हमारी नाइजर, जिसमें तेल भी निकलता है, तेल भी निकलता है। तो अब ये जो है बात करते हैं कैचमेंट एरिया की, कांगो नदी विश्व की समस्त नदियों में दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसका कैचमेंट एरिया है। अब आपको पता है कि जो अमेजन रिवर है उसका जो कैचमेंट एरिया है वो पेरू में भी है ना, फिर कोलंबिया में भी है, और ब्राजील में भी है, और ब्राजील के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें उसका कैचमेंट एरिया है। तो ये तो होगी आपकी नंबर वन पे। और नंबर टू पे जो है कैचमेंट एरिया में, वो है हमारी कांगो बेसिन। जो कांगो बेसिन है इट हैज अ सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इसका 90% एरिया आज भी ऐसा है जिसमें डिस्कवरी यानी कि कोई भी खोज नहीं हुई है। अब जो खोज नहीं हुई है तो वो अभी इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि इसमें स्टडी नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट फॉर्मेशन में, वर्ल्ड वाइड जो लॉन्गेस्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो कांगो रिवर है इट इज नाइन्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जब ये अटलांटिक ओशन में गिर रही है, ये देखो अटलांटिक ओशन में गिर रही है, तो गिरने से पहले यानी कि जहां से ये स्टार्ट करती है अपनी यात्रा और अटलांटिक में गिरेगी, तो ये 4,700 किलोमीटर का यात्रा यानी कि सफर पूरा करती है। तो देखो 4,700, और ये मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा को यानी कि इक्वेटर को दो बार कट करती है, जहां पे मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी बताया आपको। ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट बी कांगो रिवर रेड कलर में जाके अटलांटिक में गिरती है, तो ये इक्वेटर, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर, ये दो बार इसको क्रॉस करती है। अब मुख्य है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर ये देखो आप, ये इंडियन ओशन में इसका क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है। ये ठीक मेरे फोटो के पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको एकदम साइड में करके आपको दिखा देता हूँ, वहां से करके। ये देखो जाम्बेजी रिवर, जहां पे ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा होता है कि दिख गया होगा। अब इसका जो ओरिजिन है ये देखो आप, ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास, बात करते हैं नीचे जाम्बिया कंट्री है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाए इसका जो ओरिजिन पॉइंट है कि कांगो में है या जाम्बिया में है, मैप पे देखने में लग रहा कोई कांगो में है, मैप पे देखने में लग रहा होगा कि ये कांगो में है, लेकिन मुख्य रूप से इसको अगर आप जूम करके देखेंगे, इसको बड़ा करके देखेंगे, तो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो है आपका जाम्बिया, यानी कि जो सोर्स है इसका जाम्बिया में है, और जाम्बिया में है आपका विन लुंगा, और एम जो है इसमें साइलेंट है, विलिन मुंगा इसमें इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये यहाँ से निकलती हुई थोड़ा सा अंगोला को क्रॉस करती है, अंगोला भी एक अफ्रीकन कंट्री है, अंगोला में जाती है, और अंगोला के बाद ये फिर एंट्री करती है जाम्बिया में, यानी कि जाम्बिया से स्टार्ट हुई, अंगोला की साइड गई, फिर अंगोला में थोड़ा सा टहलती हुई फिर जाम्बिया में आई, और जाम्बिया से ये विक्टोरिया फॉल्स के आसपास, यानी कि विक्टोरिया फॉल इसी पे स्थित है, और एक है वहां पे डैम करीबा, वहां पर उसको निकलती हुई है जाम्बिया या जिम क्या बोलते हैं जिम्बेजी रिवर, ये गिरती है आपकी इंडियन ओशन में। लेकिन इंडियन ओशन में ये गिरती हुई ना, उससे पहले ये मोजाम्बिक में भी एंट्री करती है, यानी कि बात करते हैं कि ये ट्रेवल कितने कंट्रीज में करती है, यानी कि स्टार्टेड है इसका जाम्बिया में, है ना, फिर इसके बाद ही चली जाती है कहां पे, अंगोला, अंगोला में चली जाती है, और अंगोला के बाद ये फिर से एंट्री करती है जाम्बिया में यहाँ पे, तो उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तीसरा ये चली जाती है आपकी
मुख्यतः है, क्या बोलते हैं उसको, मोजाम्बिक। ठीक है ना, अब इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई बात करता है ना नामीबिया कि नामीबिया में भी जाती है क्या, थोड़ा सा जो ये हिस्सा है जाती तो नामीबिया में भी है, जैसे कि ये एक पानी की या वाटर ट्रीटी मान लो कि ऊपर का हिस्सा अंगोलिया है, नीचे का हिस्सा नामीबिया है, जो हाँ यहाँ पे आपको ये वाली एरिया दिख रहा है, ये वाला की बात की जा रही है, तो जो ऊपर का एरिया होगा अंगोला में काउंट होगा, नीचे वाला नामीबिया में होगा। तो मुख्य रूप से हाँ, आंशिक रूप से इसको आप नामीबिया में भी मान सकते हो। और जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ओरिजिन सिस्टम्स के अलावा जहाँ पे ये अपने आप को खाली करती है या गिरती है, वो है इंडियन ओशन, जो मेरे पीठ के पीछे आपको दिख रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। अब दोस्तों, जो थोड़ी सी नदियां हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और जैसे कि अभी बच रही है, मरे डार्लिंग है, अमूर है, मेकांग है, लिम्पोपो है, इसके बारे में कल पढ़ लेंगे। प्लीज लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, और वाइल यू सब्सक्राइब मी प्लीज यूज दिस कोड KRIPA न्यूमेरिक में 1। और माई डियर फ्रेंड, और एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अनअकैडमी से जुड़े रहिए दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और जो मेरा कोड है प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करिए और आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लीज थैंक यू, कल मिलते हैं 3 बजे।